हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक फार्मा बहमोत डिवीज लैब के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो एक कंपनी जिसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन द पास्ट, लेकिन लास्ट एक साल में काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। मतलब फार्मा ओवरऑल सेक्टर ने अच्छा नहीं किया, नो डाउट, लेकिन इस कंपनी ने, अगर हम टॉप फाइव टॉप सिक्स फार्मा कंपनीज देखें, तो वर्स्ट परफॉर्मर है लास्ट ऑलमोस्ट एक साल का, राइट। ये कंपनी ने, अगर आप यहाँ स्क्रीन देख सकते हैं, तो 70 के आसपास के पी पे था ये 18 अक्टूबर 2021, जब ये स्टॉक का प्राइस जो था 5400 के आसपास था। अब जो है स्टॉक का प्राइस 3300 पे है और पी गिर के हो चुका है 29, 70 के पी से 29 के पी पे ये स्टॉक आ चुका है। तो क्या ऐसा रीजंस हैं, राइट? तो हम चार रीजंस की बात करेंगे कि ये स्टॉक इतना नीचे क्यों आया है और आगे क्या थोड़ा आउटलुक भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको बता रहा हूँ, हैप्पी दिवाली कूपन कोड जो नीचे चल रहा है वो आप अभी भी लाइव है, तो अभी तक अगर आपने यूज़ नहीं किया है investinna.in पे जाके वो ज़रूर यूज़ कीजिए। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर, और अगर आप कंबाइन करते हैं या थ्री ईयर का लेते हैं तो डिस्काउंट कैन गो अप टू 75% एज वेल, राइट। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपको पता है कि हम जो है वी डोंट डू पार्टनरशिप, वी डोंट सेल अदर कंपनीज प्रोडक्ट, तो दिस इज द ओनली वे वी आर एबल टू सस्टेन। तो प्लीज़ आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए इस मुहिम में, ये जो ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड रिसर्च और एडवाइस जो हम आपको देते हैं, तो प्लीज़ उसमें आप हमें हेल्प कीजिए। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल कि रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले तो ऑब्वियसली रीज़न यही होता है कि स्टॉक का गिरने का, कि भाई मार्जिन्स डिक्रीज हुए हैं, राइट। तो वो हम यहाँ देख सकते हैं कि पैट मार्जिन 36% से 27 आ गए हैं, राइट। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, 27 तो एक्चुअली लास्ट दिसंबर 2019 में थे उनके, तो काफ़ी कम हुए हैं पैट मार्जिन, राइट। सेल्स भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट सेल जो है मार्च 2022 में थी, उसके बाद लास्ट दो क्वार्टर में कंसिस्टेंटली सेल भी डाउन है, तो रेवेन्यू भी नीचे गिरा है कंपनी का। तो क्यों हुआ है ये दोनों, क्यों मार्जिन्स डाउन हो रहे हैं, क्यों सेल कम हो रहा है कंपनी का, जो कि कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो कर चुकी है। तो वो कैसे ग्रो कर चुकी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, अगर इनका अभी भी कंपाउंडेड सेल्स ग्रो, लास्ट 4 मंथ्स का TTM ग्रोथ आप देखोगे तो अभी भी 23% के आसपास है, और कंसिस्टेंटली कितना ज़बरदस्त इसने टॉप लाइन ग्रोथ दिया है, और सिमिलर ग्रोथ इनका प्रॉफिट में भी रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस हैज़ बीन एग्जेम्पलरी, और वही स्टॉक रिटर्न्स में भी दिखा है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है आपको, जिस तरह के यहाँ के इनके प्रॉफिट ग्रोथ्स हैं उसी तरह के स्टॉक कैगर भी रहा है कंपनी का। तो कंपनी ने आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, और नंबर्स भी ROC देख लो, ROE देख लो, ROA देख लो, राइट, DE0, तो हर चीज़ के हिसाब से कंपनी हैज़ रियली डन वेरी वेल। तो क्या हो गया, तो चार रीजंस हैं उसके, ठीक है। तो पहला तो है कि उनका एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है मोलनुपिरविर, ठीक है। तो ये एक आपको पता ही है API कंपनी है, और मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, दूसरे कंपनीज को API बेचते हैं। API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो की इंग्रेडिएंट होता है, राइट। तो वो बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल था मोलनुपिरविर, राइट, ये एक कोविड रिलेटेड ड्रग में यूज़ होता था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट हुआ, स्पेशली इन 2020-21, और उसकी वजह से कंपनी का सेल बहुत अच्छा ग्रो हुआ। लेकिन अब कोविड चला गया है तो इसका डिमांड जो है सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, और उसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट हुआ है इनका। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न, राइट। सेकेंड रीज़न भी कोविड रिलेटेड है, कि इनके पास ड्यूरिंग कोविड ना काफ़ी ज़्यादा कस्टम सिंथेसिस के प्रोजेक्ट आए थे। कस्टम सिंथेसिस क्या होता है, कि जब क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग्स होते हैं ना, तो उसमें एक थोड़े थोड़े उनके लिए ट्रायल के टाइम पे थोड़ा क्वांटिटी ड्रग्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए सेटअप अलग करना पड़ता है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी कस्टम सिंथेसिस में, ठीक है, कि भाई हम बहुत थोड़े अमाउंट में भी ड्रग्स बना सकते हैं, हमें बड़ा ऐसा नहीं है कि हमें बल्क ही बनाना है, टन्स ऑफ ड्रग नहीं बनाना, किसी को 100 kg चाहिए, 50 kg उस एक API चाहिए, तो वो भी वो बना सकते हैं। तो कस्टम सिंथेसिस के टाइम पे भी ना, जब कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही थी, अलग अलग वैक्सीन से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड बहुत रिसर्च हुई थी, बहुत फास्ट रिसर्च हुई थी, तो उसमें कस्टम सिंथेसिस का भी इनका रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छा हुआ था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस क्लिनिकल ट्रायल ड्रग्स में पार्टिसिपेट किया और उनके लिए ड्रग्स बनाए, मैन्युफैक्चर किए,
तो वो भी अब नीचे हो गया है, तो कस्टम सिंथेसिस प्रोडक्ट आल्सो नॉट कमिंग, राइट। तो वो हमारा सेकंड रीजन हो गया, अगेन कोविड रिलेटेड ही है, बट वो रेवेन्यू भी इनका जो है वो इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि काफ़ी फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब नहीं आ रहे हैं, राइट। तो उस टाइप के फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स अभी नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियसली बजट कंस्ट्रेंट्स भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो वो सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन जो है इनका है मार्जिन पे, तो ऑफकोर्स मतलब जो सबका है, राइट। अगर हम फार्मा में देखेंगे या केमिकल साइड पे देखेंगे कि क्रूड ऑयल बढ़ गया है, राइट, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं, तो वो सारे रीजंस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई हैं ग्लोबली, राइट, तो वो सब रीजंस भी हैं। तो उसकी वजह से जो कंपनी है उसके जो है मार्जिन्स कम हुए हैं, और हमने देखा वो मार्जिन्स कम हो गए हैं, तो इसलिए वो स्ट्रीट को अच्छे नहीं लग रहे हैं, और उसकी वजह से भी स्टॉक गिर गया, राइट। तो वो भी इंपैक्ट हुआ, सेल भी इंपैक्ट हुआ, फिर मार्जिन भी इंपैक्ट हो गए। तो ये थर्ड रीजन हो गया। फोर्थ एक और रीजन है इनका, दे आर डूइंग अ बिग ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा करके जगह, वहां पर कुछ 425 एकर का नया प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव दिस ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 2 to 3 years, क्योंकि काफी सारे जो नए मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफ पेटेंट जा रहे हैं यूएस में, तो इनको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी डिमांड आएगी, APIs हम बनाएंगे उनके, राइट, और काफ़ी अच्छी डिमांड वहाँ से आने वाली है इनको APIs की। तो उसके लिए दे आर सेटिंग अप ए बिग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें इनका कुछ 1,000 to 2,000 crore रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट दे आर प्लानिंग टू डू। लेकिन वो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है वो प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट आई थिंक 2015 से ये बात चल रही है कि वो प्रोजेक्ट आएगा आएगा आएगा, लेकिन अभी तक उसमें अप्रूवल्स नहीं मिले, उनको लैंड एक्विजिशन में इशू हो रहा है, फार्मर्स वगैरह जो आसपास के हैं दे आर अगेंस्ट देम, बिकॉज ऑब्वियसली पोल्यूशन ड्रिवन कंपनी है, राइट, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी रहता है बिकॉज केमिकल कंपनी है अल्टीमेटली, राइट। तो वो सारी चीज़ों की वजह से उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है उस प्रोजेक्ट का, राइट। तो उसकी वजह से भी ये दे आर नॉट एबल टू, मतलब केपेक्स वगैरह जो इनका प्लान है वो केपेक्स ये नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है फोर्थ, कि वो जब तक अगर वो अप्रूवल आ जाता है, एंड दे आर सेइंग कि वंस अप्रूवल कम्स विद इन 12 months वी विल बी एबल टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑन द प्लांट, मतलब 12 महीने में दे आर रेडी टू सेट अप थिंग्स, बट वो अप्रूवल अभी तक नहीं आया, काफ़ी टाइम से चल रहा है वो, मतलब बीच में ऐसा भी हुआ था कि दे मे लुक फॉर द अदर मतलब स्पेस एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट नो कहाँ है क्या है उसका, बट वो प्रॉब्लम उनकी है, ठीक है। तो इस वजह से ही ऑब्वियसली मतलब अगर हम देखें तो DIIs भी पैसा निकाल रहे हैं इनके, मतलब सॉरी FIIs भी पैसा निकाल रहे हैं इस कंपनी से, और ऑफकोर्स तो स्टॉक जो है उस हिसाब से गिरा है। आगे की आउटलुक क्या है, सी आउटलुक अभी एक दो क्वार्टर तो मेरे 2-3 quarters तो ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक तो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और क्रूड ऑयल जो हमारे प्राइजेस वगैरह हैं वो भी हाई पे ही हैं, तो उसकी वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट आने ही वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बिग फार्मा जो ग्लोबल फार्मास हैं दे विल ऑल्सो नॉट स्पेंड, मे बी नॉट स्पेंड दैट मच मनी, बिकॉज जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी वर्ल्ड में विद इंटरेस्ट रेट हाइज एंड एवरीथिंग, तो वो वहाँ पर इम्पैक्ट आएगा ही, स्पेशली यूएस एंड यूरोप इकोनॉमी, और वो पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस है ये, राइट। तो वो भी मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 1 or 2 quarters इस कंपनी के लिए थोड़े ठंडे ही रहने वाले हैं, बट ओवरऑल एज अ बिजनेस मॉडल फोकस जस्ट ऑन APIs एंड नॉट डूइंग फॉर्मुलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक दे हैव अ वेरी सस्टेनेबल एंड गुड बिजनेस मॉडल परस्पेक्टिव, राइट। तो कंपनी तो है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है, और अगर जिस वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है, राइट, अगर हम एक फार्मा में एक सस्टेनेबल और गुड बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग शॉर्टलिस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर 29 मतलब हम 70-75 का जिसका PE पहुँच गया हो वो आपको 29 के PE पे मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ तो है ही, और फ्यूचर में भी मतलब इस ये बिजनेस मॉडल मतलब फार्मा में चलेगा मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज इसमें कोई कंपटीशन नहीं है फॉर्मुलेशन में, मतलब बड़ी कंपनीज को टेंशन नहीं आती है कि यार ये फॉर्मुलेशन नहीं करते सिर्फ API करते हैं, तो उस हिसाब से दे आर वेल प्लेस्ड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डिवीज लैब पे तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और फिर से आपको बता रहा हूँ कि investchannel.in पे जाके हैप्पी दिवाली कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको कोई फीडबैक है प्रोडक्ट्स वगैरह पे तो ज़रूर बताइए, और साथ में हाँ एक और चीज़ बताएं, ई लर्निंग भी एक फ्री मिलता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं स्टॉकोमीटर फंडोमीटर या मॉडल पोर्टफोलियोज में से, तो आपको फ्री वर्थ 4,000 rupees का ई लर्निंग मॉड्यूल भी मिलता है। दैट इज ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों, जय हिंद।